नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम प्रत्याशी और तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। बुढ़ाना विधानसभा से आजाद समाज पार्टी ने सलीम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। सलीम चौधरी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। तेज हो रही है लगातार जनसंपर्क का जो दौर है उसको तेज कर दिया है। ऐसे में मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सलीम चौधरी, उनसे बात करते हैं जिस तरह का परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार समय नजदीक आ रहा है। जिस तरह से लगातार जो चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही है तो क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जी हाँ, परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी जा रही है, आजाद समाज पार्टी आ रही है। क्या मतलब क्या मानते हैं बीजेपी जाने के पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण है दलित मुस्लिम का शोषण और कोई विकास नहीं, देश को बेच दिया। कारण तो बहुत सारे हैं भाई साहब। क्या लगता है जिस तरह का समीकरण कभी मायावती के जो जब सरकार बनती थी तब हुआ करता था दलित प्लस मुस्लिम, क्या वही समीकरण फिर से दोबारा आ रहा है? उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उससे आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। आजाद समाज पार्टी चौंकाने जा रही है पूरे यूपी में। कितनी सीट जीतेगी? बहुत सीट जीतेगी, सैकड़ों से ज्यादा सीटें जीतेगी। बुढ़ाना विधानसभा की हम बात करें तो बुढ़ाना विधानसभा पे एक तरफ दो जाट समुदाय से दिग्गज प्रत्याशी हैं, तो वहीं एक तरफ मुस्लिम समुदाय से दो प्रत्याशी हैं, एक आजाद समाज पार्टी से हैं तो दूसरे बसपा से हैं। तो क्या मानते हैं, किस तरह का मुकाबला मानते हैं? दूसरे जो मुस्लिम प्रत्याशी है वो बाहरी प्रत्याशी है, वो बाहर से है। हम स्थानीय प्रत्याशी है, अपने लोगों के साथ है, रात दिन साथ है। दलित मुस्लिम हमें पसंद कर रहा है, हम जीत रहे हैं, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या मुद्दे रहेंगे आजाद समाज पार्टी के? मुद्दे बताए, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे वही है, बेरोजगारी, दलित पे, मुस्लिम पे अत्याचार, बहुत सारे मुद्दे हैं भाई। देखिए, ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं सलीम चौधरी, तो बता रहे हैं कि जो तमाम महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार आजाद समाज पार्टी जनता के बीच जा रही है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं जीत दर्ज करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं तस्लीम राणा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर। आगरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को आगरा के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। छावनी से कांग्रेसी प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि के लिए भूपेश बघेल ने खेरिया मोड़ चौराहे से वोट मांगने की शुरुआत की, जिसके बाद वो अर्जुन नगर, रुई की मंडी, शाहगंज में वोट मांगने के लिए निकल पड़े। एटा में कोतवाली देहात के छितौनी फ्लाईओवर पर अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के गले पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका भी है। एसएसपी उदय शंकर सिंह, एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा, एएसपी कालू सिंह, पुलिस बल समेत मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। कोतवाली देहात इंस्पेक्टर जगदीश चंद मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। फिलहाल महिला के शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। और अब खबर गोंडा से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने बड़ा एक्शन लिया। गोंडा जिले में अब तक 134 लाइसेंस नर्स और 200 लोगों के सशस्त्र लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई की गई। जिले की सातों विधानसभाओं में चुनाव को निष्पक्ष, निर्विघ्न, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर अपराधियों के विरुद्ध डीएम मार्कंडेय शाही का एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में डीएम ने भाजपा सांसद पुत्र और पूर्व मंत्री समेत तमाम लोगों के शस्त्र निरस्त और निलंबित किए हैं। 3 शस्त्र धारण करने वाले 34 लाइसेंसियों और 1 शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा 1 शस्त्र धारण करने वाले 48 लाइसेंसियों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की गई है। देखिए, जो नोटिसें जारी हुई हैं लगभग 70 की संख्या में ऐसे हैं कि जिनमें नोटिस जारी हुई है और इसमें आर्म्स एक्ट की धारा 17 के तहत निरस्त करने के पहले संबंधित का पक्ष सुना जाता है, तो एक बार हम उनका जवाब सुन करके और उनकी बात को ध्यान में रखते हुए उसके निरस्त करने या नोटिस वापस लेने के बारे में निर्णय लेंगे। सर, अभी तक क्या किसी का भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुआ है अपने गोंडा में? अभी बहुत से लोगों का, कितनी संख्या है सर? टोटल करा दी जाएगी। इसमें जो लाइसेंस निरस्त हुए हैं इसमें इनकी संख्या लगभग 158 के आसपास है। सूची आपको पृथक से उपलब्ध कराएंगे। क्या उसमें कोई सांसद विधायक भी हैं सर, जनप्रतिनिधि भी हैं? इसमें देखिए ऐसा है, शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की जो प्रक्रिया है या जो उसकी शर्तें हैं
उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लाइसेंस निरस्त किया है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मैनुअल करते थे, जिसमें गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। से भरी बोलेरो अनंतित होकर ट्राले में जा घुसी। नवाबगंज से गोंडा ये बारात जा रही थी। बोलेरो सवार एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, 5 लोग घायल हैं। घायलों में 55 वर्षीय पुरुष, 33 वर्षीय महिला और 12 साल का एक मासूम बताया जा रहा है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के बंसुधरा गांव के पास यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस और घायलों को इलाज के लिए CHC वजीरगंज भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को हापुड़ में दावा किया कि सत्ता में आने का दम भर रही साइकिल पंचर हो चुकी है। लक्ष्मी जी कभी टूटे वाहन पर सवार नहीं होती। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी जी पुनः कमल पर बैठकर आ रही हैं। वर्ष 2022 के चुनाव में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होगा और ये चुनाव वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करेगा। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए साल 2022 का चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि जिनके दृष्टि में दोष हो उनकी कोई दवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ और कांग्रेस से जुड़े हुए कोई भी नेता हैं जिनके पास यूपी में फोटो खिंचाने वाले भी लगभग नहीं बचे, इस प्रकार के बयान लेकर के वो प्रदेश का माहौल, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल एकदम ठीक है। यहाँ पर 24 करोड़ जनता की सुरक्षा का कवच भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है और सरकार के माध्यम से सुरक्षा की जा रही है। मैं पश्चिम के हालात को जानता हूँ। यहाँ कई जिले ऐसे हैं जहाँ सूर्यास्त होते ही सपा की सरकार के समय कई पुलिस स्टेशनों पर ताला लगा करके लोग थाने को छोड़ करके जाते थे कई सुरक्षित स्थान पर रात बिताने के लिए। मैं पश्चिम के हालात यहाँ भी जानता हूँ। जो हमारे किसान थे भैंसा गाड़ी लेकर के अपने कृषि का काम करते थे, उनकी गाड़ी तो बची रहती थी, उनका भैंसा नहीं सुरक्षित रहता तो गायब कर दिया जाता। इस क्षेत्र के कई ऐसे स्थान हैं जहाँ बेटियाँ हमारी विद्यालय स्कूल पढ़ने के लिए जाना बंद कर दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माहौल बदला है। हमने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है और एक सुशासन जो वादा किया था उसे जमीन पर उतारने का काम किया। हाथरस में मंदिर से पूजा कर घर वापस लौट रहे पति पत्नी पर दबंगों ने हमला कर फायरिंग कर दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल है। अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिवार के लोगों का आरोप है कि जमीन के लिए दिए गए रुपए वापस मांगने पर दबंगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। गंभीर हालत में पति और पत्नी को परिजन इलाज के लिए लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही पत्नी ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस सख्त नजर आ रही है। एसओजी टीम और कोतवाली सदर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के खोड़ा हजारी स्थित गंगा धाम कॉलोनी के पास का है। लखनऊ में विधानसभा की कुल 9 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हुआ है। नामांकन के पहले दिन 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बीकेटी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार ललन कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कैंट विधानसभा से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार अजय सिंह ने नामांकन दाखिल किया। संघर्ष की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी का नेता और कार्यकर्ता सबसे आगे रहता है। उसी तरह से जिस तरह से लखनऊ जिले के विधानसभा बक्सी के तालाब में पिछले 30-32 वर्षों से क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी ने जो जनता के ऊपर दमन किया है, आने वाले 10 मार्च को जनता सबक सिखाएगी। ये लड़ाई गांधी और गोडसे के बीच में है। हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, गांधीवादी हैं, संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। और आपने देखा होगा कि जहां पे भी
उत्तर प्रदेश में दमन हुआ है, लोगों को प्रताड़ित किया गया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, हर जाति धर्म के लोग परेशान हैं। भारतीय जनता के पार्टी जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। युवा की अगर आप बात करें तो बेरोजगारी आप देख रहे हैं, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत, मैं वो नहीं जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया, मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है, तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब, बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी, लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज़ ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया, तो अपने लूटा गैरों में का दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद फिर रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ में भारतीय सेना की 20,000 रेजिमेंट से रिटायर 50,000 का इनामी लोकेंद्र गिरफ्तार कर लिया गया है। रिटायरमेंट के बाद तथाकथित कंपनी खोल सैकड़ों लोगों से कम 4,200 करोड़ से अधिक की ठगी की है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये ठगी यहाँ की गई है। गौतम नगर थाना दादरी में 56 से अधिक मामले इस पर दर्ज हैं। UPSTF ने जनपद मथुरा से इसकी गिरफ्तारी कर ली है। अपने साथी भूदेव के साथ मिलकर ये ठगी को अंजाम दिया करता था। लखनऊ में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी मिल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये पूरा मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र सोनगा गांव के पास का बताया जा रहा है। सीतापुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 50,000 और 25,000 के दो नामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बीसवा लहरपुर में डकैती और लूट को अंजाम दे चुके हैं। चेकिंग के दौरान भागने की फिराक में भी दोनों अपराधी
थे। पुलिस के ऊपर दोनों बदमाशों ने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने पर वो घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीसवा कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में अनोखे अंदाज में पर्चा दाखिल करने पहुंचे सपा प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल। सपा प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल रिक्शा चलाकर नामांकन कार्यालय पहुंचे और पर्चा दाखिल किया। सपा के दो प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। महमदाबाद के नरेंद्र वर्मा पूर्व मंत्री सपा के प्रत्याशी, वहीं सदरसीर से पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल प्रत्याशी हैं। सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल का कहना है कि डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, जिसके चलते वो रिक्शा चलाकर यहाँ पर नामांकन भरने आए हैं। हम 10:12 बजे पर्चा दाखिल कर देंगे, यहाँ से 11:30 बजे हम चलेंगे। जो गरीबों का निशान है रिक्शा, रिक्शे पर बैठकर जाएंगे, चला के रिक्शा जाएंगे, क्योंकि हम जमीन से जुड़े नेता हैं। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि हम गाड़ी से चल ही नहीं सकते। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो काहे से चले। और दूसरी बार छुट्टा जानवर सब चले जा रहे हैं, खा गरमाना ये कहा करें। आगरा छावनी से भाजपा प्रत्याशी जीएस धर्मेश को अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान लोगों का विरोध झेलना पड़ा। कोटी रोड से परेशान लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी। बताया जा रहा है कि इस बीच भीड़ में कुछ लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद और भाजपा मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए। बलिया में चुनौती गिरोह इस वक्त सक्रिय नजर आ रहा है। चुनौती गिरोह ने सरेआम महिला से चेन छीन ली और फरार हो गए। सिविल लाइन चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला गाड़ी के लिए इंतजार कर रही थी। सुखपारा से बसिया जा रही थी पीड़ित महिला। बलिया कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन पुलिस चौकी के समीप का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यहाँ पर चुनौती गैंग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। चंदौली में कलयुगी मां नवजात शिशु को खेत में छोड़कर फरार हो गई। वहीं बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों को पता चला। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद बच्चे को चाइल्ड केयर को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं बच्चे को गोद लेने के लिए कई लोग तैयार हुए हैं। इलिया थाना क्षेत्र के मलधा गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम मिरर की किठौर विधानसभा क्षेत्र के मारकपुर गांव पहुंची, जहां पर टीम ने माहौल क्या है इसको जानने की कोशिश की। हालांकि सीट पर बीजेपी के सत्यवीर त्यागी का कब्जा है, लेकिन इस बार माहौल क्या है? क्या उनके पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं या फिर गठबंधन के पास पक्ष में लोग जाएंगे? इसको लेकर लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी मनोहर चौहान ने। देखिए क्या कहना है लोगों का। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और जनता का इस बार क्या मूड है इसी को जानने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची हुई है मेरठ के किठोड़ विधानसभा क्षेत्र के मारकपुर गांव में। मेरे साथ तमाम यहां के लोग जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मूड है, क्या माहौल है। तमाम लोगों को आप देख सकते हैं, ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है जी। राजू जी, ये बताइए 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल बजा हुआ है, क्या मूड है जनता, किन मुद्दों पर आप वोट करना चाह रहे हैं? अजी सपोर्ट तो जब करेंगे, पहला वोट तो जब देंगे किसी को, जब हमारी सुविधा होगी। कोई हमें तो कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ, आज लोग कोई हमारे यहाँ तो आता ही नहीं। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत रास्ते की है सबसे बड़ी, हमारे रास्ते कच्चे पड़े हैं आज लोग भी, जबकि मेरठ के पास में गाँव में हमारा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है यहाँ। कोई आज लोग कोई जिला पंचायत विधायक कोई आज लोग हमारे यहाँ आया ही नहीं। तो एक बार रास्तों को जरूर दिखाऊंगा। राजू कहना के रास्ते ठीक नहीं है, तो ये गांव का मुख्य मार्ग है, इसको अगर कहें देशी भाषा में तो दगड़ा कह सकते हैं, क्योंकि रास्ता ये नहीं है। दगड़े हुआ करते थे पहले जमाने में, बारिश पड़ते ही वहां पर कीचड़ उठ जाती थी, लेकिन ऐसा ही ये दिखाई दे रहा है। जो यहां रोड़ा पड़ा है इन लोगों ने खुद से यहां पर डलवाया है। आपका क्या नाम है? नरेश कुमार है जी। नरेश जी, क्या माहौल है, क्या मूड है, किस क्या चीज़ देखते हुए वोट करेंगे आप?
बस यही रास्ते वास्ते सही होने चाहिए जी, विकास होना चाहिए। अब जिसने जो विकास अच्छा करेगा उसे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या आपने उनसे इस बारे में बताया? नहीं बताया, बता जी उन्हें तो हमें तो करे कौन, करे कौन, जो उन्हें वोट देगा उनका ही काम करेंगे। तो आप लोग क्या वोट नहीं करते हैं जी? आप लोग वोट नहीं करते? करते हैं वोट, कोई कहीं कर रहा कोई कहीं कर रहा, एक जगह तो जाती नहीं सब। सतवीर त्यागी है यहाँ पर विधायक, आप फिर भी इतने वंचित शोषित कैसे रह गए, विकास कार्य क्यों नहीं हुए? मुख्य मार्ग है ये, मैं देख रहा हूँ पीछे से, मैं आ रहा हूँ, गंदा पड़ा है रास्ता, दगड़े हैं, ये कैसे क्या कहेंगे? हाँ क्या कहे भाई, बताओ, कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं करा यहाँ बिल्कुल भी। सतवीर त्यागी जी ने कुछ नहीं करा बिल्कुल भी, मैं मुख्य प्रधान हूँ, गाँव का मौजूदा। अच्छा प्रधान है, इधर आइए जरा आप प्रधान, क्या नाम है आपका? राज सिंह। राज जी ये बताइए, आप प्रधान है, आपने यहाँ इसी योजना में प्रधान बने हैं, तो कुछ आपने अपने स्तर पर काम कराया है? कराया हाँ। क्या क्या करा दिया? मैंने 32 लाख का काम करा दिया। और आपके जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से सतवीर त्यागी, उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या काम कराया है? हमारे यहाँ नहीं कराया कुछ भी। आए तो आते नहीं आते हैं? आवे है कभी कभी आवे है, जो काम पड़े बुलावे, जो बुलावे तो आवे, अन्य आते ही नहीं। अच्छा इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, तो आपने कोई बताया ना कि गांव के रास्ते खराब हैं, कितनी आबादी है? 200 फेरे बता ली हमने। कितनी आबादी है? हमें 2200 की आबादी है। बावजूद इसके मेरठ के करीब होने के बाद भी ये इलाका ऐसा क्यों है? ऐसा इलाका यूँ ही, कोई विधायक बढ़िया नहीं है, और कोई ऐसा कोई वो प्रमुख बना वो बढ़िया नहीं, जो भी है सब ऐसी है। अच्छा पहले जो विधायक थे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने काम नहीं कराया? कैसा कराया? क्या काम कराया उन्होंने? कराया खड़ंजे भी लगवाए हैं गांव के, और जंगल में भी लगवाए। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश जी आप इस गाँव में रहते हैं, लेकिन इस गाँव की सड़कों की हालत खराब है, अब इस बार जो वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? वो हम तो यही है जी, रास्ते सही हो जाए, वोट तो देनी देनी है, और जो है रास्ते सही हो जाए, सभी पब्लिक को जो है आम रास्ता सही रहेगा तो कुछ सुविधा रहेगी। अब रास्ते में हमारी बुग्गी टूट जाती है, बुग्गी फंस जाती है, तो बड़ी दिक्कत है बहुत। अच्छा बच्चे भी ट्यूशन जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, दिक्कतें होती हैं? हाँ जी बहुत ज़्यादा जी, गाड़ी नहीं आ पाती, गाड़ी वहीं उतार दे रास्ते में बीच में, आधा किलोमीटर दूर। सांसद भी आपके हैं और विधायक भी आपके हैं, फिर ऐसा क्यों है कि ये इलाका रह गया? अजी ऐसा ही नहीं रह गया, जब अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब तो सब आ रहे हैं, करा देंगे, बाद में कोई नहीं सुनता, तो ये है बस, अब तो काम निकल गया छुट्टी। अच्छा काम निकल गया छुट्टी, एक बार कहूँगा अपने सहयोगी से इन नालियों को भी दिखा दें, ये नाली जो है अटी हुई है, अगर यहाँ पानी रुक जाए तो शायद सड़क पर आ जाए, हालांकि ये लोगों की परेशानी है, पीड़ा है, यहाँ के रास्ते अच्छे नहीं है, मैं और लोगों से बात करूंगा। ये बताइए क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी ये बताइए, रास्ते तो आपने बता दिए कि बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य क्या व्यवस्था है? पानी का बिजली की तो अच्छी है। अच्छा हाँ। तो रास्तों की दिक्कत है? हाँ जी रास्तों की दिक्कत है। अच्छा क्या मुद्दे हैं दिमाग में इस बार वोट करने जाएंगे? वोट तो जी भाजपा को देनी पड़ेगी, क्या करें, वो तो हमारी मुसीबत वो है। भाजपा को क्यों देनी पड़े, क्या मजबूरी है? मजबूरी यू है जी, देश को बचा रही है, और क्या यो मजबूरी है। अच्छा कहाँ बचाया देश को, जरा बताएगा? देश को नहीं बचाया जी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।